तो आज यहाँ पे जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ थिएटर्स के अंदर लग चुकी है गाइस। काफी सारे लोगों की काफी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन जो होते हैं वो यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि कोई बोल रहा है कि मूवी बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि कोई बोल रहा है कि मूवी बहुत ही घटिया है, लोगों को वहाँ पे जो है नींद आ रही है, और एक बंदा बीच में जाकर कहता है कि भाई मूवी तो काफी एवरेज है, सभी लोगों को यहाँ पे जो है देखनी चाहिए एंड इतना बुरा भी नहीं है मूवी के अंदर, जैसे कि लोग यहाँ पे जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच में यहाँ पे जो है लोगों के मन में एक सवाल निकल कर आता है कि यार अगर इस तरह के रिव्यू आ रहे हैं, इस तरह के मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, तो कैसा कलेक्शन यहाँ पे जो है निकल कर आएगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। तो देखो यार अभी तक का जो भी कलेक्शन निकल कर आ चुका है वो मेरे सामने ठीक है। अभी तो आप लोगों को बताया आधा दिन यहाँ पे जो है कंप्लीट हुआ है, लेकिन उससे पहले एडवांस बुकिंग से कितना पैसा कमाया, इस आधे दिन के अंदर यहाँ पे जो है कितना पैसा कमाया, सारी चीजें मेरे सामने निकल कर आ चुकी है। अगर आपको जानना है बड़ी मियाँ छोटी मियाँ के बारे में, वीडियो को पूरा जरूर देखना ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में कि इस मूवी ने यहाँ पे जो है कितनी एडवांस बुकिंग की, बिकॉज आप लोगों को बताया इस मूवी के अंदर भी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा लोचा हुआ था। इनकी एडवांस बुकिंग यहाँ पे जो है पहले स्टार्ट हुई थी, फिर रिसेंटली यहाँ पे जो है बंद हो गई, तो जो भी पहले लोगों ने एडवांस बुकिंग की थी उनको यहाँ पे जो है रिफंड मिलना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे करते करते जो डाटा पूरा यहाँ पे जो है क्रैश हो गया, लिटरली हमारे पास यहाँ पे जो उसके बाद कोई डाटा नहीं था। बट जैसे कि आप लोगों को पता है उसके बाद यहाँ पे जो है एडवांस बुकिंग ओपन हो गई एंड हमारे सामने डाटा जो है वो यहाँ पे निकल कर आया। तो मूवी के लगने से पहले मूवी ने यहाँ पे जो है 186,575 टिकटें जो होती है वो यहाँ पे सोल्ड की थी एंड गाइस लिटरली में इसको यहाँ पे जो है 10,947 शो मिले थे। अगर इसके सामने यहाँ पे जो है मैदान नहीं होती तो शायद इसको यहाँ पे जो है 15,000 से 16,000 शो जो होते हैं वो भी यहाँ पे मिल सकते थे ठीक है। तो अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो 2D के अंदर इसने यहाँ पे जो है 97,000 प्लस टिकटें जो होती है वो सोल्ड की है, 3D के अंदर इसने यहाँ पे जो है 81,000 टिकटें जो होती है वो यहाँ पे सोल्ड की है। तो इससे पता चलता है कि लोग यहाँ पे जो है 3D में देखना इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है 2D में तो यहाँ पे जो है हर कोई जाना पसंद करता है, बट इस तरह की मूवी जिसके अंदर यहाँ पे जो है काफी कम VFX यूज किया गया है फिर भी लोग इसको यहाँ पे जो है 3D में देखना पसंद कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो है लोग चाहते हैं कि इस मूवी का एक बड़ा स्केल उनको यहाँ पे जो है काफी अच्छे पर्दे पे देखने को मिले ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पे जो है टोटल इसका कलेक्शन निकल कर आता है 4.81 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग से। लेकिन अब अगर हम बात करें कि आज के दिन अभी तक यहाँ पे जो है कितना पैसा कमाया BMCM ने, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे जो है BMCM ने टोटल 9.68 करोड़ रुपए की इनकम की है। फिर से कह रहा हूं अभी तक बना रहा हूं, फिर शाम आएगी, फिर रात आएगी, इनका भी डेटा यहाँ पे जो है इंक्लूड होगा एंड देन फिर पूरा डेटा यहाँ पे जो है कलेक्ट होगा एंड गाइस डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर सुबह अपने को यहाँ पे जो है पता चलने वाला है कि कितना कलेक्शन यहाँ पे हुआ है। लेकिन अभी तक जो हुआ है वो मेरी आंखों के सामने है 9.68 करोड़। अगर आप लोग यहाँ पे जो है एडवांस बुकिंग को इंक्लूड करते हो उस चीज के अंदर यहाँ पे, तो 9.68 + 4.41 करोड़ ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्यूपेंसी के बारे में तो गाइस 2D के अंदर यहाँ पे जो है मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 19% एंड उसके बाद यहाँ पे जो है आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 34% हो गई। उसका मतलब शेयर वर्ड ऑफ माउथ जो होता है काफी ज्यादा फैला होगा इस मूवी का, तभी यहाँ पे जो है इस तरीके से लोग बढ़ गए हैं ठीक है। कम नहीं हुए हैं लोग, डेफिनेटली यहाँ पे जो है बढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन ये पहले दिन है, आप लोगों को बताया फर्स्ट डे हमेशा यहाँ पे जो है ऐसा होता है कि लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है टिकट बुक कर रखी है, तो शायद उनको यहाँ पे जो है जाना ही है मूवी देखने ठीक है। उसी के बाद अगर हम बात करें तो मैंने 2D का बता दिया, अब बात करते हैं 3D के बारे में। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था लोग 3D में भी देखना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस मूवी को, तो 3D के अंदर भी यहाँ पे जो है 23% थी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी, लेकिन अचानक से यहाँ पे जो है आफ्टरनून के अंदर यहाँ पे 35% बढ़ चुकी है ठीक है। तो लोग यहाँ पे जो है डेफिनेटली देखना पसंद कर रहे हैं इस मूवी को, यहाँ पे लोगों के भी मिक्स रिव्यू जो होते हैं वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ठीक है। काफी सारे स्टेट एंड काफी सारी जगह से यहाँ पे जो है काफी सारे लोग मूवी को देखना पसंद कर रहे हैं ठीक है। तमिल, तेलुगु एंड मलयालम, इनके अंदर भी यहाँ पे जो है काफी बेसिक सा नॉर्मल रिस्पॉन्स जो होता है इस मूवी को यहाँ पे मिल रहा है। तो बेसिकली इस डेटा के अनुसार आप लोग यहाँ पे जो है अंदाजा लगा सकते हो कि अभी तक यहाँ पे जो है BMCM की कितनी इनकम हुई है। मूवी यहाँ पे जो है सेकंड डिजिट तक यहाँ पे जो है जाने वाली है, कितना पैसा कमाएगी 20 करोड़ 30 करोड़ या फिर 215 करोड़, कितना कमा सकती है मुझे कमेंट करके आप लोग यहाँ पे जो जरूर बताइएगा। इसके बाद भी यहाँ पे जो है कलेक्शन निकल कर आते रहेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है अपडेट जैसे करता रहूंगा। तो प्लीज मेक श्योर फटाफट जाओ, फटाफट जाके सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी जल्दी मिलती रहे।